इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वादा, सरकार बनी तो हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। बीजेपी ने बड़ा वादा किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा वादा किया है कि अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी का झारखंड के प्रत्येक परिवार से चुनावी वादा है। झारखंड विधानसभा में बीजेपी का नया वादा कि अगर सरकार बनी तो हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। बीजेपी का झारखंड के प्रत्येक परिवार से चुनावी वादा है कि अगर सरकार बनती है तो 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। सरकार बनती है तो साथ ही साथ 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेंगे। 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा लगाने का भी वादा है बीजेपी की। बता दें आपको कि चुनाव नजदीक है, मद्देनजर बीजेपी का ये बड़ा वादा, बड़ा दावा, बड़ा फैसला जनता के हित में। सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा। एक बार याद दिला दें हम आपको कि फिलहाल इस वक्त 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है झारखंड में। और ऐसे में बीजेपी ने एक नया वादा किया है कि अगर सरकार बनती है तो 200 से बढ़ा करके 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। गोगो दीदी योजना के बारे में भी आप जानते हैं, लगातार बीजेपी इस बात को बार बार जिक्र भी कर रही है कि अगर सरकार बनती है तो गोगो दीदी योजना चलाया जाएगा, जिस योजना के तहत झारखंड के महिलाओं को पैसे बढ़ा करके मिलेंगे, 2100 रुपये दिया जाएगा। झारखंड चुनाव में बीजेपी का बड़ा वादा, सरकार बनी तो हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए प्रतुल शाहदेव बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, क्या कुछ कहेंगे, ये चुनावी वादा है बीजेपी का जनता के हित में? हमारी पार्टी जो भी कहती है ना, वो मोदी की गारंटी होती है, चुनावी वादे जैसी चीजें नहीं होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो सत्ता में आने के बाद ये एक संकल्प लिया था कि मैक्सिमम घरों में हम सौर ऊर्जा के जरिए उन घरों को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, और सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाएंगे, हम ऐसे प्रोडक्शन करवाएंगे उन घरों से कि वो बिजली को बेच भी सके। तो हमारी सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम हमेशा ले रही है, और झारखंड तो हमारी सरकार की, केंद्रीय सरकार की प्रायोरिटी में होता है, बीजेपी की प्रायोरिटी में झारखंड हमेशा से रहा है जी। हमने ही राज दिया है तो ये सौर ऊर्जा से जो हम लोगों ने बड़ी संख्या में घरों को ऊर्जावान करने का निर्णय लिया है, ऊर्जा की आपूर्ति, और वो हमारे एजेंडा का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है पूरे देश में, हम कोयले का कंजम्पशन कम करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे और लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, उसके लिहाज से ये काम है। और देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले, मुख्यमंत्री जी ने तो सिर्फ चुनावी भत्ते के रूप में 2000 रुपए, माफ कीजिएगा, 1000 रुपए महिला सम्मान योजना में देने की घोषणा की थी, हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 2100 रुपए अपनी योजना की। इन्होंने तो 2 महीने दिया था, हमने कहा हम 60 महीने देंगे जी। और बिजली बिल के जो यूनिट फ्री करने की बात है तो उसको लेकर तो हम हमेशा कृत संकल्पित है जी। और देखिए, सौर ऊर्जा से लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे तो ऊर्जा को बेच भी सकेंगे, वो कमाई का जरिया भी बनेगा। तो हमारी सरकार की जो दूरदर्शी सोच होगी जो नई सत्ता में आएगी 23 नवंबर के चुनाव परिणाम आने के बाद, तो उसकी व्यापक सोच है झारखंड के गरीबों के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, पर्यावरण के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए हमारी वृहद सोच है जी। जी प्रतुल जी, जब रघुवर दास जी की सरकार आई थी उस वक्त भी आप लोगों ने घर घर तक बिजली पहुंचाया था, और उस वक्त की कंडीशन ऐसे थे कि झारखंड में गांव में तो बिजली ही नहीं था, और अब ऐसा समय हो चुका है कि अब हर घर बिजली है। एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं आप लोग, जहां अभी 200 यूनिट मुफ्त है बिजली का, आप लोग 300 यूनिट करने जा रहे हैं। देखिए क्या ना, रघुवर जी के समय में बहुत बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण हुआ था, और जो सुदूर क्षेत्र थे जी, जहां पर बिजली के कनेक्शन को ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए और जो 33,000 केवी की लाइन से उनके जरिए पहुंचाने में दिक्कत थी, वहीं हम लोगों ने सौर ऊर्जा के प्लांट्स रखाए थे। पहाड़िया जनजाति के, अब गांवों की बात करें तो वो बहुत सुदूर पहाड़ों में बसे रहते हैं, तो सौर ऊर्जा के जरिए हम लोगों ने विद्युत आपूर्ति की घोषणाएं की थी। हमारी सरकार में बिजली की कभी कभार कटती थी, इनकी सरकार में बिजली कभी कभार आती है, यही डिफरेंस है। अब आप देखिए, कल दीपावली बन रहा था, उसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग होना, ये साफ दिखा रहा है ये पूरे तरीके से फेल्ड गवर्नमेंट है। जब हम आएंगे तो 24x7 365 डेज बिजली देने की कोशिश करेंगे जी। जी
बड़ा वादा, बीजेपी की तरफ से 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा और 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। गोगो दीदी योजना के तहत भी बीजेपी ने बड़ा वादा किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल चौधरी जी आपका इन तमाम जानकारियों के। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया है सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेगा। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, मद्देनजर बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है और जनता का खास ख्याल 300 यूनिट बिजली मुफ्त। तमाम जानकारी के लिए बीजेपी कार्यालय से सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, बीजेपी की तरफ से ये बड़ा वादा, जहां एक तरफ अभी जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है तो वही अब अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा, क्या कुछ कहेंगे? आप बिल्कुल देखिए, ये चुनावी वादा कह सकते हैं, निसूचित चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी का दावा है कि अगर सरकार आएगी यानी कि सत्ता आएगी, एनडीए की सरकार बनेगी राज्य में, तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का कार्य करेंगे। इससे पहले देखिए 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा था, लेकिन जब तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे तो उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की थी और अब जाकर के देखिए आप चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये दावा कह सकते हैं बीजेपी के तरफ से, हालांकि पंच प्रण तो पहले ही ले लिए गए थे और उन पंच प्रण के बाद अब बिजली मुफ्त करने की यानी कि 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने की बात है। वहीं सोलर ऊर्जा जो है उससे भी आच्छादित किया जाएगा, उसका लाभ जो केंद्र की योजनाएं चल रही है उसका लाभ जो है वो जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है और जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में जनता के बीच पैठ बनाने की का प्रयास। हालांकि देखिए बीजेपी नेताओं का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये मोदी की गारंटी है। जैसे लोकसभा चुनाव में जब हमारी जीत हुई थी तो 100 दिनों का एक टारगेट रखा गया था, यानी कि 100 दिनों के अंदर हमने वो कार्य किए जो हमने वादा किया था, जो हमारे तरफ से दावे थे उसको पूरा करने का कार्य किया है। तो इस बार भी हमारे जो पंच प्रण है या मैनिफेस्टो के जो और भी अन्य बिंदु हैं, साथ ही जो 300 यूनिट बिजली फ्री की जो बात है वो भी पूरा करने का कार्य किया जाएगा। और ये कहना है कि एक लिमिट टाइम में, एक जो तय समय में ही उसे पूरा करने का कार्य किया जाएगा। और देखिए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी की उपस्थिति यहाँ पर है और हम अपने दर्शकों को ये, चूंकि नेताओं के बड़े बड़े दावे तो जरूर होते हैं, अब 300 यूनिट बिजली फ्री की बात सर सामने आ रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री करने का कार्य। देखिए स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, सभी समाज, सभी वर्ग का चिंता करती है और कैसे सभी लोगों को सुविधा मिले, किसे किसी को कठिनाई ना हो, इस बारे में चिंता की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और 300 यूनिट बिजली के बारे में यदि बोली गई है तो निश्चित रूप से वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भी पंच प्रण के कई वादे हैं जिसमें युवाओं को ध्यान में रखा गया है, महिलाओं को ध्यान रखा गया है, तो वो पंच प्रण को भी एक तय समय में पूरा करने का बात सामने आ रहा है। पंच प्रण की बात नहीं कही, पंच प्रण लिया गया है, प्रण लिया गया है कि यदि हमारी सरकार बनी और निश्चित बनेगी तो हम जो खाली पर पद हैं 2,28,000 उसको भरने का काम करेंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हम मुफ्त में प्रत्येक वर्ष 3 त्योहारों में मुफ्त सिलेंडर देंगे, 500 रुपया में प्रत्येक उपभोक्ता को सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम करेंगे और अन्य प्रकार की बातें प्रण ली गई है। तो सारी बातों को पूरा करने का काम की करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये निश्चित किया गया, ये प्रण लिया गया है। बिल्कुल निशु, देखिए ये प्रण लिया गया है पंच प्रण के साथ ही। और कल जब कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय बात कर रहे थे तो उन्होंने न्यूज 11 से ही कहा कि सी और डी ग्रेड की जो नौकरियां होंगी यानी कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होंगी उसमें यहाँ के स्थानीय को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि वो स्थानीय को प्राथमिकता देते हुए दी जाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कई दावे हैं, कई वादे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इन दावे में कितना दम होता है, यानी कि जनता के बीच पैठ बनाने में ये कितना सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2019 से लेकर के 24 तक के कार्यकाल को भली भांति देख लिया है।
कितना उनका दावा वादा पूरा हो पाया, चूंकि मैनिफेस्टो में कई बड़े बड़े दावे थे, वादे थे सरकार के, लेकिन कितना पूरा हो पाई है ये तो जनता ही आकलन करती है, जनता ही तय करती है कि किन्हें अपने सर आंखों पर बैठाना है। तो ऐसे में इस बार एनडीए का दावा है कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो वो कई सारे जो वादे हैं, जो पंच प्रण है, क्योंकि पंच प्रण भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में कितना पूरा करती है। जी बिल्कुल ऋषि, बिजली का दाव एक बार फिर से फेंका है बीजेपी ने। बता दें आपको कि 2019 में भी जब चुनाव हो रहे, जब रघुवर दास जी सरकार में आए थे, उस वक्त भी बीजेपी ने ये वादा किया था कि झारखंड के कोने कोने में हर एक गांव में हर एक घर में हम बिजली पहुंचाएंगे, और पहुंचा भी था बिजली। और फिर से इस वक्त बीजेपी बिजली को लेकर के एक बड़ा वादा, बड़ा दावा। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा रुचि, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चुनाव नजदीक है, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा दावा किया है, सरकार बनी तो हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा, 2027 तक 1 करोड़ घरों में बिजली सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।